आरसीबी के खिलाफ मैच से पहले एमआई टीम के लिए आई तीन सबसे बड़ी खुशखबरी। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और क्या है वो मुंबई इंडियंस टीम के लिए तीन बड़ी खुशखबरी आरसीबी के खिलाफ, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस टीम के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल भाई आईपीएल 2024 के रोमांच भरे मुकाबले में अब यहां पर मुंबई इंडियंस का अगला T20 मुकाबला आपको बताएं, जो कि यहां पे भाई आईपीएल का 11 अप्रैल को खेला जाने वाला है, जहां पे एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम होगी तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम होने वाली है। वहीं ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले आपको बता दें कि आरसीबी के खिलाफ मुंबई इंडियंस की टीम को एक साथ तीन तीन बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। तो आइए जानते हैं क्या है वो तीन बड़ी खुशखबरी। वहीं का दोस्तों बात करें यहाँ पे पहली बड़ी खुशखबरी को लेकर, तो पहली बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे मुंबई इंडियंस के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर। जी हाँ, रोहित शर्मा जो कि इस समय यूं कहें कि अब तक जहाँ पे तीन मैचेस खेले गए हैं और तीनों मैचों में लगभग इनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा है, जहाँ चौथे मुकाबले में भी यहाँ पे रोहित शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ 27 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे रोहित शर्मा अब अपनी फॉर्म में है और ऐसे में एक बार फिर से आरसीबी के खिलाफ एक बढ़िया बल्लेबाजी के लिए तैयार है, जो कि एमआई और एमआई फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे दूसरी बड़ी खुशखबरी की, तो दूसरी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर भैया आपको बताएं कि सूर्य कुमार यादव को लेकर। सूर्य कुमार यादव, जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे मुंबई के चौथे मैच में इनकी वापसी हुई थी दिल्ली के खिलाफ, लेकिन यहाँ पे शून्य पर आउट हो गए थे। बट यहाँ पे मैच से पहले अब सूर्य कुमार यादव जमकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि अब यहाँ पर आरसीबी के खिलाफ उनका बल्ला बोलते हुए नजर आ सकता है, जो कि यहाँ पे एमआई फैंस और एमआई टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसी के साथ बात करें यहाँ पे तीसरी और आखिरी बड़ी खुशखबरी के लिए, तो वो है कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर। कप्तान हार्दिक पांड्या अब तक यहाँ लगातार जब तीन मैचेस हारे थे, जब चौथे मैच यहाँ पे मुंबई ने जीता, तो उसमें ये भी कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या ने एक बढ़िया बल्लेबाजी भी करी थी। इसी के साथ साथ उनकी कप्तानी भी काफी बढ़िया रही थी और इसी वजह से यहाँ पे मैच भी जीत पाए थे। अब ऐसे में देखा जा रहा है तो फैंस भी इनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। तो आप भी क्या राय इस बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।